थिएटर में जितने लोग हैं, जैसे कि आपने कहा आनंद देसाई सर, नसीब सर, पंकज त्रिपाठी सर और सुधीर सर, इनमें मतलब जितने भी सारे एक्टर्स रहे हैं जो भी आपको पसंद रहे हैं, बट जिनके साथ somehow अभी तक काम नहीं कर पाए, तो उनमें से अगर तीन एक्टर्स को आपको चूज करना पड़े कि डेफिनेटली इनके साथ तो काम करना ही है, तो वो कौन से हो? काम मतलब छोटा या बड़ा देखे जाए तो यूं तो मोटा मोटी हमने उन सभी के साथ स्क्रीन शेयर किया जिनके साथ हम काम करना चाहते थे। टेलीविजन में तो मैंने एक पूरा एपिसोड किया है पंकज कपूर के साथ। फिर हाँ बस ये नसीर और ओम पुरी के साथ, मैंने नसीर जी और ओम पुरी साहब के साथ छोटा काम किया। मैंने ऐसा काम नहीं किया जो लगे कि हाँ पेट भर के इनके साथ काम किया, लेकिन उनके साथ काम करने का, स्क्रीन शेयर करने का मौका जरूर मिला। तो ये है कि हाँ जैसे कमल हसन के साथ कभी काम नहीं किया, उनके साथ मौका मिलता तो अच्छा रहता। या बाकी मैंने किए बच्चन साहब के साथ काम किया है, ओम पुरी जी के साथ काम किया है, नसीर साहब के साथ काम किया है, लेकिन सब छोटा छोटा, मैंने कहीं नथिंग विच विच भाई ये जरूर है कि हाँ पेट भर के नहीं किया अभी तक, ऐसा कोई मौका नहीं लगा। तो सर ऐसा कभी हुआ है कि मुंबई में आने के बाद, मतलब एक साल तक तो आपने रेके वगैरह, आप बिहाइंड द कैमरास रहे, सब कुछ देखा, ये वो वगैरह, कभी कास्टिंग में कोई बहुत फनी एक्सपीरियंस हुआ है कि यार ये तो क्या ही हो गया, ऐसा सोच के तो मैं नहीं आया था, बहुत ही फनी चीज हुई हो कास्टिंग के ड्यूरिंग, शूटिंग के ड्यूरिंग, कुछ नहीं अनप्लान्ड? वो यहाँ नहीं हुआ। मैंने सालों पहले जब मैं वहाँ स्कूल, जब मैं दिल्ली में था तब, क्योंकि मुझे ये शौक हमेशा से था, तो मैं रेडियो भी बहुत सुनता था और मैं रोज रात का हवा महल भी सुनता था, जो रेडियो में नाटक अभी भी आता है हवा महल मेरे ख्याल से। तो ये था कि भाई ये भी करके देखना है, तो उसमें आपको ऑल इंडिया रेडियो पे जाके ऑडिशन देने पड़ते हैं और फिर आपको सिलेक्ट किया जाता है या नहीं सिलेक्ट किया जाता है। तो मैंने वो ऑडिशन दिया, उसके बाद एक दिन मुझे चिट्ठी आई कि भाई आप ऑडिशन पास कर गए, अब कभी कुछ होगा तो आपको बुलाएंगे। तो बड़े खुश, वो मेरे पास आज भी जो है पुराना है, फटा टूटा कागज अभी भी पड़ा हुआ है कि मैं वो ऑडिशन पास किया था। तो वो सारी चीजें मेरे पास अभी है। तो एक दिन जो है फिर मुझे बुलावा भी आया, एक चिट्ठी आती है, सरकारी चिट्ठी आती है, टेलीग्राम टाइप कुछ एक आता है, तो उसमें लिखा था कि आपको बुलाया गया है, एक प्ले है और उसका ऑडिशन रहेगा किरदारों का, तो आप आइए। वो चिट्ठी लेके मैं ऑल इंडिया रेडियो पहुंचा, पार्लियामेंट रोड पे, ना पार्लियामेंट रोड पे जो उनका एक हाँ जी, हाँ दफ्तर है। जी, हाँ तो मैं वहां गया, वहां तो अच्छा वो हर्ष छाया ठीक है, तो मैं गया उधर, वो चिट्ठी मैंने उनको दिखाई, तो वो चिट्ठी देखे और फिर मुझे देखे। अच्छा कई बार क्या होता है लोग ना एच आर एस एच के आगे ए भी जोड़ देते हैं, जैसे रामा लक्ष्मणा हाँ रावणा, तो ऐसे उस नाम से चिट्ठी आई थी, मैं चला गया। तो चिट्ठी देखें, फिर मुझे देखें, फिर चिट्ठी देखें, तुम तो आदमी हो मैं कहा जी, और तुम तो लड़का हो, मैं कहा जी लड़का ही है तो मैंने कहा जी अभी तक तो ऐसा ही है, मतलब लड़का ही है और क्या है तो पता चला कि उन्होंने हर्षा छाया समझ के बुलाया था और हम हर्ष छाया निकले। हाँ मूवी डायरेक्ट भी की है खजूर पे अटके। जी हाँ, अभी 2 साल पहले। हाँ जी, हाउ वाज दिस डिफरेंट फ्रॉम एक्टिंग, मतलब डायरेक्टिंग, और सडनली मतलब कैसे एक्टिंग करते करते कि चलो ये तो मुझे डायरेक्ट कर रही है, ये वाला कहाँ से आया कीड़ा, ये वाला जो फील हाँ होती है नहीं डायरेक्टिंग सडनली वाली। नहीं था ये, सडनली नहीं था ये, मुझे हमेशा से ही करना था, क्योंकि जामिया में हम ट्रेनिंग कैमरे के पीछे के काम के लिए होते हैं, लेकिन क्योंकि उस वक्त जो है एक्टिंग का कीड़ा बहुत ज्यादा तेज था, तो हमने एक्टिंग करने की कोशिश की और फिर वहां काम चलने लगा तो वही करते रहे। लेकिन हमेशा से ये था कि है मतलब मरने से पहले एक पिक्चर जरूर बनानी है, एक फैसिनेशन हमेशा से था। तो अपार्ट फ्रॉम बॉलीवुड, आपने बंगाली सिनेमा, गुजराती सिनेमा, मराठी सिनेमा, इन सब में भी अपना योगदान दिया है, उन सब में भी काम किया है, तो हाउ
हाउ इज बस लैंग्वेजेस डिफरेंट है या सिनेमैटिक तरीका या इनको बनाने का तरीका और ये सारी चीजों में भी डिफरेंस है सब में? नहीं, वो सिर्फ लैंग्वेजेस डिफरेंट है, बाकी अच्छा सिनेमा या खराब सिनेमा वो तो हर जगह बनता है, लेकिन रीजनल में एक जरूर है कि कुछ कहानियां ऐसी हैं जो आप हिंदी फिल्मों में कभी नहीं देखेंगे, वो नहीं ही बनती मतलब, और हिंदी फिल्मों में बनती भी हैं तो वो बड़ा वो कुछ आर्ट सिनेमा वाला उनको लेबल दे दिया जाता है या मल्टीप्लेक्स सिनेमा वाला उनको लेबल लग जाता है, कुछ अलग अलग अजीब से कुछ लेबल हिंदी सिनेमा में लगा देते हैं। यहाँ लोगों के बस वो बड़ा एक हीरो होता है, कोई बात बनती नहीं कोई बनती, फिर वो कहानियां भी ऐसी होती हैं। ये भी हो सकता है कि उनकी ऑडियंस बड़ी है, उनके खर्चे ज्यादा हैं तो लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर ढूंढते होंगे, वो एक फायदा किसी भी रीजनल सिनेमा में है कि उनकी कहानियां बहुत अलग और कई बार बहुत ही रिफ्रेशिंग और अलग कहानियां होती हैं जो वाकई में आपके जीवन से, किरदार इंसान से, आपके पड़ोसी से, या किसी ब्रेड देने आपको सुबह आता होगा वो ऐसे लोगों से, ऐसे आपके निजी जीवन से या नॉर्मल रूटीन एक आदमी का जो जीवन होता है उससे कहानी जुड़ी हुई, ऐसे मौके आपको रीजनल सिनेमा में आज भी बहुत मिलते हैं जो हिंदी सिनेमा में नहीं। ऐसा कभी हुआ कि जब आप दिल्ली में थे और फिर आप मुंबई आए तो कभी कोई ऐसा, जब आप टीवी देखते होंगे या मूवीज देखते होंगे व्हेन यू आर अ किड कि यू न्यू, मतलब यहाँ पे आके कोई फैन मोमेंट हुआ और योर फैन मोमेंट, कि कभी कोई आपकी बहुत बड़ी फैन हो और वो आपसे टकरा गई हो और ऑटोग्राफ एंड ऑल वैसा सा कुछ, दैट फर्स्ट फैन मोमेंट हैपेंड विद यू? मेरे साथ? हाँ जी, मेरे साथ उल्टा हुआ। मेरे साथ बेचारा एक जो किसी ने मुझे देख के पहचान लिया बहुत डिसअपॉइंट हो गया मुझे आज भी कि वो, क्योंकि आप जब आप टेलीविजन में काम करते हैं तो जैसे नया नया वो अभी तारा एक्चुअली जस्ट स्मॉल थिंग था, मैं दिल्ली में मैंने सबसे पहला सीखी किया था खाली हाथ, उसके बाद मैं यहाँ बम्बई आया था, तारा मेरा दूसरा सीजन था बम्बई में। खैर, लेकिन ये जरूर है कि तारा से एक अलग पहचान बनने लगी क्योंकि वो हिट सीगल था, बहुत तब देखा जाता था, बहुत बड़ा सीजन था, उसमें मैं किरदार करता था, तो तारा से जो है इनफैक्ट तारा ही से समझ में आने लगा कि रह सकते हैं बम्बई, काम मिल जाएगा, चल जाएगा घर एक्टिंग करते करते, वो सारी चीजें वहां समझ में आने लगी। तो तारा के वक्त जो है मैं एक रेड लाइट क्रॉसिंग पे, अब तार टीवी में क्या है कि आपको ना वो रातों रात, अब आप नए नए हैं तो आपको पहचान मिल गई तो लोगों का अपना एक अलग आइडिया रहता है स्टार के बारे में, क्योंकि उससे पहले तो फिल्म स्टार्स की आदत थी लोगों को, फिल्म स्टार मतलब जो मैं बंगला उसके साथ में ऊंची दीवार जिसको आप देख नहीं सकते हैं, फिर वो बाहर निकलेगा तो एक बड़ी सी गाड़ी होगी, अंदर स्टाइल में वो बैठा होगा, उसको हीरो कहते हैं, वो स्टार होता है। अब ये हम सब टीवी वाले इधर उधर घूमने लगे जिनको लोग देखे भी, और सुबह यूं ही आपको आम दिख जाए कहीं घूमते घामते, तो वो अब तो ऐसा थोड़ी है कि एक रात में बहुत पैसा आ जाता है, देख लिया उसने हफ्ते भर तो पहचानने लगा। अब मैं रेड लाइट क्रॉसिंग पे खड़ा हूं तो मैं ऑटो में बैठा हुआ था, मैं किसी कहीं जा रहा था तो स्कूटर पे एक साहब थे, वो जैसे रहता है ना रेड लाइट पे तो इधर उधर देख रहे होते हैं, तो उन्होंने जो है देखते देखते इधर आपको तो कल रात को टीवी में देखा था आप ऑटो में एक बार ये हुआ, एक बार मैं किसी मॉल में, अभी भी होता रहता है, किसी दुकान में मैं सब्जी खरीद रहा था तो आप इधर सब्जी खरीद रहे अगर अभी आप कौन से, मतलब अगर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की आपकी बात करें तो अभी आप किस चीज पे काम कर रहे हैं या काम करना चाहेंगे? अभी तो कुछ भी नहीं, अभी तो लॉकडाउन में कुछ होने वाला, हमें कुछ देखने को मिलेगा अंधकार में, अभी तो आगे पूरा रेगिस्तान है, अभी कुछ पता नहीं, क्योंकि अगर कोई काम शुरू होने भी वाला था, जैसे मैं अभी अप्रैल चल रहा ना, अप्रैल में एक फिल्म शुरू होने वाली थी बंगाल में, कलकत्ते जाना था, अब वो जाहिर है नहीं हो रही है, फिर कुछ वेब सीरीज जून में शूट होने वाले थे लेकिन अब वो सारी बातें बेकार हो गई है क्योंकि अब किसी को कुछ पता ही नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। मैंने तो आस पास जो है लंगर भी ढूंढना शुरू कर दिया है कि जाके वहीं बैठना पड़े क्या पता तो अभी तो कुछ पता नहीं, अब ये
कहना ही बेकार है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। हाँ एक दो ये मैं इस वक्त आई वाज सपोज्ड टू बी इन कोलकाता लेकिन अब मैं यहाँ बैठा हूँ और कब तक बैठेंगे पता नहीं। अब जब वो फिल्म मान लीजिए शुरू होने वाली थी वो अब ही नहीं है। अब जब शुरू होगी तब पता नहीं दूसरा एक्टर क्या कर रहे होंगे क्या नहीं कर रहे होंगे, ये जो शुरू करने वाला है तो वो कुछ और शुरू कर देंगे। सो राइट नाउ तो नोबडी नोस, माने सब अंधेरा है, माने अंधेरा क्या माने राजस्थान है जो भी कह रहे अभी तो कुछ पता नहीं। मुझे उतना ही पता है जितना आपको मेरे बारे में बताया। सो मैंने आपके टेड टॉक में ये भी सुना था कि यू यूज टू स्केच अ लॉट एंड अंकल कहते थे कि पेन ना कागज से हटाओ मत जब तक स्केच पूरा ना बन जाए। वो तब की बात है जब मैं बता रहा हूँ कि बैचलर्स मैंने कर लिया और कॉमर्स खत्म हो चुका। अब आपको जो साल भर जिसमें मेरी माँ भी नौकरी के लिए उपस्थित रहती थी और मैं घूम-घाम के आता था ये तभी की बात। तो मेरे पिताजी ने तभी मुझसे कहा कि तो अभी क्या करोगे। मैंने कहा जी पता नहीं अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा कि और वो हमेशा से वो IIT में पढ़ाते थे कुछ 13-14 साल उन्होंने IIT में पढ़ाया। तो उनका भी ये था कि भी देखिए IIT वगैरह में क्या होता है स्टूडेंट एक बार नहीं होता तो दोबारा ट्राई करने आते हैं। बिल्कुल हाँ। एक उम्र होती है तब तक तीसरे ट्रायल में भी लोग आके पास होके एडमिट होते हैं। तो वो एक अलग दुनिया थी वो उस दुनिया से आते थे वो जानते समझते थे। तो उनका ये था कि तो फिर एक काम करो तुम्हारा पेंटिंग वेंटिंग का इतना शौक है और ये स्कूल कॉलेज के चक्कर में तुमने कुछ किया नहीं अब तुमको समझ में भी नहीं आता तुमको क्या करना है तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है तो क्यों नहीं तुम वो कोशिश करते हो। तो यूं मुझे वो एक शांति दबे करके एक बहुत नामी तब आर्टिस्ट थे अब गुजर चुके हैं पेंटर थे उनके पास मुझे ले गए। वो उनके MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा में वो भी पढ़े थे मेरे पिताजी पढ़े थे तो मुझे उनके पास ले गए दिल्ली में नेहरू प्लेस में पीछे रहते थे कि भाई मेरा लड़का है और आप भी MS यूनिवर्सिटी से पास हुए मैं भी MS यूनिवर्सिटी से पास हुआ हूँ मेरा लड़का जो है आजकल खोया हुआ उसको समझ नहीं आ रहा क्या करना क्या नहीं करना उसको पेंटिंग वेंटिंग का शौक है तो आप इसको जरा अपने अंदर ले लीजिए सिखाइए इसको साल डेढ़ साल दो साल जो है तो सीखेगा क्या पता इसी में फिर आगे निकल ले। यूं मुझे वही ले गए उन्होंने। फिर मैंने कॉलेज ऑफ आर्ट में भी एक साल एडमिशन लिया था एज एन एक्सटर्नल स्टूडेंट दिल्ली में मैं साल भर वहां भी जाता था। तो वो जो आर्टिस्ट पेंटर थे उन्होंने मुझे कहा था कि एक वो जो न्यूज़पेपर प्रिंट का जो पेपर होता है उसकी आप जो है स्क्रैपबुक बनाइए और एक काला पेन लीजिए फाउंटेन पेन और तब तक आप रोज स्केचिंग करते रहिए जब तक आप बिना पेन उठाए एक लाइन में अच्छा स्केचिंग नहीं कर सकते। तो यूं उन्होंने मुझे लगाया था स्केचिंग। तो मैं खड़ा रहता था इधर उधर कभी भैंस का स्केच बना रहे हैं कभी गाय का स्केच बना रहे हैं अंदर ही अंदर आपको समझ में भी नहीं आ रहा क्योंकि आप दिशा जीवन में है नहीं अंधेरा है आपको लग रहा है यार ऐसे स्केच करते करते तो पता नहीं कितने साल लग जाएगा तो अब कुछ होगा तो वो सारे झगड़े चल रहे होते हैं आपके दिमाग में और आप स्केच करते हैं आप भैंस के सामने खड़े हैं वो मैंने उसमें भी कहा है कि मैं वो स्केच कर रहा हूँ भैंस चली गई आप सोच रहे हैं यार कहाँ जा रही है रुक जा मेरे भविष्य का सवाल है यार मुझे बनाने दे। तो वहां वो तब वो हुआ था लेकिन उसी दौरान फिर जो है मुझे जामिया का जैसे मैंने बताया प्रोस्पेक्टस दिखा फिर मैंने उसमें भी मेरे पहले ट्रायल में एडमिट नहीं हुआ था। हाँ जी। पहली बार मैंने रिटन पास किया था और इंटरव्यू में फेल हो गया था फिर मैंने दोबारा वो तो वो तब है जब मुझे पहली बार एडमिशन नहीं मिला तब ये था कि अब क्या करें एडमिशन नहीं मिला और ये कॉमर्स तो हुआ नहीं कॉमर्स तो करना नहीं अब क्या करें। तो ये ड्राइंग शॉइंग हमने शुरू की फिर साल भर बाद मैंने दोबारा अप्लाई किया तब मुझे एडमिशन मिला। तो यूं ये जो भी लोग सुन रहे हैं इन सारी बातों को सुने मैंने इनमें बहुत सारी चीजें आपको समझने जानने मिलेंगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है जीवन में अंधकार है तो घबराने की बात लगे रहना पड़ सकता है। अच्छा जो आपने चूरन पॉडकास्ट शुरू किया है उसका मतलब वो कहां से आया वो आइडिया कहां से आया दिमाग में कि लेट्स स्टार्ट समथिंग लाइक दिस। वो एक तो जब मैंने एक्टिंग जब अपना बहुत कम कर दिया था तो मैं खाली बैठा रहता था वहीं से मैंने लिखना शुरू किया खाली बैठे बैठे क्या करें। तो और हमको पता नहीं था कि मतलब हम लिख सकते हैं नहीं लिख सकते एक दिन ऐसे बैठे थे एक लाइन दो लाइन लिखते लिखाते फिर धीरे धीरे वो कुछ शॉर्ट स्टोरीज होने लगी मैं फिर मैंने ब्लॉग अपना शुरू किया ब्लॉग में लिखना शुरू किया ब्लॉग लोग पढ़ने लगे फिर होता है ना कि आपने तो कहानी छोड़ दी फिर आप भूल गए चार दिन बाद आप वापस गए तो किससे कहा कि आप दूसरी कहानी क्यों नहीं लिखते। तो यूं लोगों से आपको एनकरेजमेंट मिलता रहा मैंने आपको ये समझ में आया कि अच्छा यार लोग पढ़ रहे हैं
और पूछ भी रहे हैं कि नया क्या है, अच्छा चलो ठीक है, तो आपने जबरदस्त उनकी वजह से आपने बैठ के और लिखना शुरू किया, क्योंकि वो इंकरेजमेंट आपको अच्छा लगा। यूं मैंने लिखना शुरू किया था, तो मेरे पास बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज हैं जो ब्लॉग में थी। फिर उस ब्लॉग से मैंने खुद ही एक छोटी एक किताब बनाई थी चूरण नाम से, जिसमें ब्लॉग की जो अच्छी से अच्छी स्टोरीज मुझे लग रही थी उसका मैंने छोटा एक कलेक्शन बनाया, जो कि बहुत ही खराब मैंने अपना निजी कुछ प्रोडक्शन किया था किताब बनाने का। ये यहाँ फॉर्चुनेटली ही पड़ी है, चूरण नाम से एक किताब, ठीक है, इसमें वो सारी शॉर्ट स्टोरीज। तो वो किताब लोगों ने पढ़ी, कुछ लोगों ने, लेकिन ये कहानी फिर स्कूल का रियूनियन हम लोग सब गोवा गए, कुछ 50-52 लोग, अभी 2 साल पहले साल भर पहले। तो वहां बहुत सवाल आवाज मिला है, कोई अपना गाना गा रहा है, कोई गिटार बजा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो मुझे भी कहा कि भाई तुम भी कुछ करो। तुमने कहा अभी गाना वाना क्या गाएंगे पता नहीं, मैं कहानी सुनाऊ, बोला हाँ ठीक है सुनाओ। तो मैंने अपना फोन में ही वो ब्लॉग खोला और एक कहानी सुनाई, तो वो बड़ी मैंने उस रिएक्शन थी, तो वहां वो जो स्कूल के जो मेरे दोस्त कर ये कुछ करती क्यों नहीं उसका, तो इतनी अच्छी कहानियां है फलाना ढिमकाना। तो मैं अच्छा ऐसा है, ठीक है कोशिश करते हैं, पॉडकास्ट आजकल होता है यार, तुम कुछ करते क्यों नहीं। तो यूं मैंने फिर वो पॉडकास्ट, अब वो सारी, हाँ तो पॉडकास्ट भी उसी नाम से शुरू किया, वो साउंड क्लाउड पे है, मैं अभी उसका प्लेटफॉर्म भी बदलने वाला हूँ, लेकिन अब यही पॉडकास्ट, क्योंकि अब खाली बैठे हैं दिन भर, तो जैसे आपके सामने वीडियो पे बात कर रहा हूँ, अब मैं जुगाड़ बना लिया है, इसी कोने को मैंने स्टूडियो जैसा बना लिया है, 2-3 लाइट लगाकर मैं शूट करता हूँ। तब यही चूरण मैंने इसका वीडियो ब्लॉग शुरू किया, तो अब मैं वो यूट्यूब पे उसके वीडियो उन कहानियों की लगा रहा हूँ। अब तक मैं कुछ 8-10 कहानियां वहां लगा चुका हूँ, तो उसका भी यही चूरण द टेस्ट ऑफ लाइफ के नाम से, बहुत जिंदगी की रोज की कहानियां, मैंने बहुत छोटा कोई इंसिडेंट लेकर के उसकी यहाँ पे कहानी बनाने की कोशिश कर दी। तो उसको कहता भी यही हूँ कि रोजमर्रा के छोटे लम्हों की बड़ी कहानियां। सर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते, एक गेम खेलते, छोटा सा काइंड ऑफ रैपिड फायर, आई गिव यू जस्ट एक क्वेश्चन और उसको सुन के जो भी नाम आपके दिमाग में आता है यू जस्ट हैव टू से दिस, बट थोड़ा सा फास्ट, जल्दी जल्दी, सो रेडी बताइए। ओके okay, तो आप तैयार हैं सर, मैं अपने क्वेश्चन शूट करनी शुरू करूं? हां होपफुली। ओके सर, एनी कंटेंपरेरी को एक्टर यू वांट टू वर्क विद? गजराज। एनी अंडररेटेड मूवी? अंडररेटेड मूवी एक थी अनिल कपूर की साहब, और एक है अरशद वारसी की एक बहुत अच्छी फिल्म है जिसमें वो हीरो है, उसमें मैं भूल गया नाम, देखो मुझे याद नहीं रहती फिल्म, लेकिन अरशद की एक फिल्म है जो बहुत अच्छी फिल्म है, वो अंडररेटेड। क्या बात, नाम नहीं पता क्या था? कोई बात नहीं, इफ यू हैव टू चूज बिटवीन दीज टू मूवीज, इजाजत और प्यासा, इसमें कहाँ चॉइस है, मैं दोनों ही देखूंगा। ओके सर, तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, एनी एडवाइस यू वांट टू गिव आवर फेलो स्ट्रगलिंग एक्टर्स राइटर्स और पीपल, या कोई भी लाइफ मंत्र जो आपके लिए काम किया है अब तक जिंदगी में? यही कि भाई जो मैंने मस्त रही है, लेकिन लगे रही है, लग रही है, ऐसे मत लग रही है कि पूरी दुनिया का बोझ आपके सर पे, आप मतलब यही मैं कहूँ, मेरा टैगलाइन यही रहेगा कि लगे रहिए मस्त भी रहिए, मस्त रहिए लगे रहिए। ओके सर, थैंक यू सो मच हम लोगों को आपका इतना सारा टाइम देने के लिए, एंड आई होप आप बिल्कुल बोर नहीं हुए होंगे। नहीं नहीं मैं नहीं। ओके सर, थैंक यू सो मच।